आम तौर पर ये आदत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर देखी जाती है कि सुबह सवेरे उठते के साथ ही हर किसी को अपना चेहरा देखना पसंद होता है। जी हाँ, आँख खुलते के साथ ही हम आईने के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और आईना हम सभी के घर का एक मुख्य सामान माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ चेहरा सवारने या खुद को देखने का जरिया नहीं। जी हाँ, बल्कि आपको बता दें कि वास्तव में इससे आपकी किस्मत और स्वास्थ्य का अंग बताया जाता है। अगर आपके घर में आईना गलत जगह हुआ है तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में चलिए आज हम आपको अपने स्ट्रिप के माध्यम से बताते हैं आईने से जुड़े हुए कुछ वास्तु टिप्स। ध्यान रखें कि आईने को घर की उत्तर पूर्व और दिशा में रखना शुभ माना जाता है, जिससे कि घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। वही वास्तु ये भी कहता है कि घर में गोलाकार आईना नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, इसकी जगह आपको आयताकार या वर्गाकार आईना शुभ माना जाता है। बेडरूम में आईना रखना अशुभ माना गया है। अगर आपके बेडरूम में आईना है तो उसे हटा दें, और अगर आप हटा नहीं सकते तो उसे ऐसी जगह लगाएं कि उसमें आपके बेड की छवि जो है वो बिल्कुल ना दिखे, और ना ही सुबह उठते के साथ ही आपको आईने की छवि दिखाई दे। जी हाँ, उसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके घर का जो आईना है, आपके घर का जो शीशा है, वो कभी भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ आईना यानी कि नकारात्मकता का उत्पन्न होना, इससे पारिवारिक सदस्यों के बीच कलह कलेश उत्पन्न होता है, साथ ही घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। तो हमेशा इस बात को अपने जहन में रखें, कभी भी अपने घर में टूटा हुआ आईना ना लगा रहने दें। नेक्स्ट आर्थिक रिपोर्ट।